अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आग्रह कर चुके हैं कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, उनका सम्मान कीजिए। हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि ना ये अपनी चिंता कर रहे हैं, ना अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, बस दिन रात जनता के जीवन की रक्षा, जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री के और सरकार के इस आग्रह को न मानने की ठान चुके हैं, तभी देश के कुछ भागों से इस तरह के दृश्य सामने आते हैं कि डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार हो रहा है, पुलिस के जो लोग हैं हमारे उनके साथ बदसलूकी होती है, उन पर पथराव होता है। तो ये जो दृश्य है विचलित भी करते हैं और कुछ सवाल भी खड़े करते हैं। उन सवालों में सबसे प्रमुख सवाल यह है कि देश इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है, क्या उसमें कुछ लोग देश के साथ नहीं है? आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की। पीतल नगरी के रूप में विख्यात मुरादाबाद शहर में एक जगह है नवाबपुरा, और इस समय ये नवाबपुरा जो है वो कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब यहाँ पर सरताज नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई कोरोना वायरस से, दो दिन पहले उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी वो भी कोरोना वायरस से। तो अब परिवार में और लोगों को ये वायरस ना फैले, इसके लिए जो मेडिकल टीम है, प्रशासन है, वो चिंता कर रहा है। परिवार के कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया भी गया था, उनका भी प्रशासन देखरेख कर रहा है। अब मोहल्ले में या उस परिवार से जुड़े और लोगों में ये वायरस ना फैले और बाकी लोगों की जो जाँच प्रक्रिया है वो भी नियमित चलती रहे, ताकि ये समय पर पता लग सके कि किसी को हुआ है तो उसको भी क्वारंटाइन किया जा सके, इसके लिए मेडिकल टीम लगातार वहां पर जा रही है, जो जांच प्रक्रिया चल रही है। आज जब वहां पर मेडिकल टीम पहुंची नवाबपुरा के उस गली में जहां पर ये सरताज और उसका भाई का परिवार रहता था, जब उस गली में पहुंची और एक शख्स को लिया गया कि आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको जब एम्बुलेंस में बिठाया गया तो कुछ उपद्रवियों ने मेडिकल टीम पर पथराव कर दिया। डॉक्टर को इस हमले में चोट आई है और खास बात यह है कि जो दो एम्बुलेंस थी उनको भी भारी क्षति पहुंचाई गई है, और जो लोग उपद्रवी जो पथराव कर रहे थे वो घरों से तो पत्थर आ ही रहे थे, ऊपर छतों से महिलाएं भी पथराव करती दिखी, इस तरीके की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। मेडिकल टीम घबरा गई और वहां पे सीएमओ कार्यालय पहुंचे वापस और सारी स्थिति से अवगत कराया कि किस तरीके के साथ उनके साथ मारपीट हुई है, पथराव हुआ है। जो पुलिस है वहां भी पहुंची, लेकिन पुलिस को भी इतना ज्यादा वहां पर लोगों का दबाव था कि पुलिस को भी वापस लौटना पड़ा, और उसके बाद प्रशासन के अधिकारी जो है जिलाधिकारी और एसएसपी वगैरह, एसपी सिटी वगैरह सब वहां पहुंचे हैं और हालात का जायजा लिया। फिलहाल हालात नियंत्रण में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर कड़ा रुख जताया है और कहा है कि जो आपदा इस समय आ रखी है उससे संबंधित जो एक्ट लागू है वो लगाया जाएगा, इन सब पर उसके तहत जो कार्रवाई हो सकती है उसके तहत कार्रवाई होगी, और जो रासुका है यानी एनएसए, इन सब पर लगाया जाएगा जो उपद्रवित है। और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कही है वह यह है कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई भी उन्हें ही करनी पड़ेगी, प्रशासन उनको चिन्हित करके नोटिस देगा और उनसे भरपाई करवाई जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रासुका लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं और योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर इस घटना पर दुख जताया है और डॉक्टर के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। उनको जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दर्शा रही हैं कि कैसा बर्ताव किया गया। डॉक्टर जो हमारे जीवन की रक्षा में लगे हुए हैं, धरती पर जिनको दूसरा भगवान कहा जाता है, उन पर अगर हमला हुआ है तो निश्चित रूप से ये निंदनीय कृत्य तो है ही। और इसी तरीके की जो कृत्य हैं, सिर्फ हम मुरादाबाद की ही बात क्यों करें, आज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में देखिए वहां पर डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आज क्या हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार की खबरें आई हैं। और इस बीच अगर हम बात करें मौलाना साद की, जी हाँ, हम बात करें तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की, दिल्ली पुलिस ने आज उन पर एक बड़ी कार्रवाई की, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा 304 लगा दी है, केस दर्ज हो गया है और उन समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 11 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है और इनमें से ये जो लोग थे, ये अधिकांश लोगों ने कहा था कि हमने खुद को क्वारंटाइन किया हुआ है इसलिए अभी हम हाजिर नहीं हो सकते पूछताछ के लिए, लेकिन मौलाना साद का समय पूरा हो चुका है आइसोलेशन का, तो अब उन्हें पूछताछ के लिए सामने भी आना पड़ेगा और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। और मौलाना साद ने जो काम चाहे वो गैर इरादतन किया है, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं कि वो पूरे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण
फैला दिया है। आप दिल्ली की ही बात करें, दिल्ली में 70% से ज्यादा जो मामले हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े मामले हैं। ये दर्शाता है कि जो भारत का इस समय कुल संक्रमण का आंकड़ा देख लें कोरोना वायरस का, तो उसमें भी जो कोई जमात से जो जुड़े हुए मामले हैं वो 35 से 40% के आसपास बताए जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारत की लड़ाई में एक बाधा खड़ी करने का, बाधा डालने का प्रयास किया गया है। और भारत सरकार की ये जो कार्रवाई है, दिल्ली पुलिस ने जो 1900 के आसपास ऐसे लोगों को जिन्होंने वीजा नियमों का उल्लंघन कर यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया उन पर कार्रवाई और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जो जारी हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में इस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं वो नहीं होंगी।